जावेद अख्तर की कलम ही वो ताकत है जिसने शोले जही वड्डी फिल्म नू परदे ते साकार कीता है। इस फिल्म ने सफलता दे मायने ही बदल दिते। हिंदी सिनेमा विच जावेद अख्तर नू कौन नहीं जानता। गजला नू एक नवा रूप देन विच जावेद अख्तर का बहुत वड्डा योगदान है। जावेद अख्तर बॉलीवुड दे लेजेंडरी लिरिसिस्ट राइटर ने जिन्हां नू किसी भी इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं। जावेद अख्तर की फैन फॉलोइंग हर पीढ़ी के फैंस विचकार है। जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर 17 जनवरी 1945 नू होया सी। उन्हां नू शब्दां दा जादूगर भी कहा जाता है। उन्हां दे पिता निसार अख्तर भी हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार ते उर्दू कवि सन। उन्हां दी मां सोफिया अख्तर गायिका ते लेखिका सी। जाहिर है कि ऐसे परिवार विच पैदा हुए जावेद अख्तर नू घट उम्र तो ही लिखण ते पढ़न दा चस्का लग गया। फिल्मां विच अपना करियर बनाउण लई ओह मुंबई आए ते उन्हां ने काफी ज्यादा स्ट्रगल कीता। जावेद अख्तर जदों बहुत छोटे सन उस समय उन्हां दी मां दा इंतकाल हो गया। उन्हां दे पिता ने दूसरा विआह कर लिया जिस दे बाद कुछ समय तक जावेद अख्तर अपने पिता दे घर रहे। जदों जावेद अख्तर दा अपने पिता ते सौतीली मां दे नाल रहना मुश्किल हो गया तां उन्हां ने अपने नाना नानी दे घर जाण दा फैसला कीता। इस दे बाद जावेद साहब दा जीवन उन्हां दे दोस्तां दे भरोसे रह गया सी। जावेद साहब ने भोपाल तो अपनी पढ़ाई पूरी की ते पढ़ाई पूरी होने के बाद राइटर बनने का सुपना लैके जावेद अख्तर मुंबई पहुंच गए। उन्होंने सुपने तो वड्डे सन पर रहने लई ना तो जगह सी ते ना ही खाने लई खाना। जावेद अख्तर के संघर्ष के दिनों विच उन्होंने कई रातां रुखां थले कटियां ते बिना खाना खाधे गुजारियां। कुछ दिनों बाद उन्होंने कमाल अमरोही के स्टूडियो में सौण वास्ते जगह मिली। शुरुआती दौर में जावेद अख्तर ने फिल्मों में क्लैपर बॉय का काम किया। छोटे मोटे काम करते हुए जावेद की मुलाकात सरहदी लुटेरे के सैट से सलीम खान नाल हुई। सलीम खान उस वेले फिल्म एक्टर सन ते जावेद अख्तर फिल्म प्रोडक्शन का काम कर रहे सन। दोवां दी राइटिंग विच काफी ज्यादा दिलचस्पी सी। देखते ही देखते दोनों विचकार काफी ज्यादा दोस्ती हो गई। राजेश खन्ना ने फिल्म हाथी मेरे साथी विच सलीम जावेद नू वड्डा मौका दिता। इस दे बाद इस जोड़ी ने स्क्रीन प्ले राइटिंग विच ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मां दित्तियां बल्कि स्क्रीन प्ले राइटर नू भी पोस्टर विच जगह दिलवाई। सलीम जावेद की जोड़ी ने 24 फिल्मां लिखियां जिन्हां विचों 20 फिल्मां हिट सन। जावेद अख्तर शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल ते उन्हां नू बयान करन दा जबरदस्त हुनर रखते सन। जावेद अख्तर अपने करियर विच सीता गीता जंजीर शोले ते तजाब जिहियां कई फिल्मां दे डायलॉग ते कहानी लिख चुके ने। ब्लॉकबस्टर फिल्मां दे इलावा भी अपनी बेहतरीन शायरी ते लेखनी नाल आए दिन लोकां नू हैरान करदे रहिंदे ने। जावेद अख्तर दा असली नाम जादू रख्या गया सी। उन्हां दे पिता ने ए नाम अपने शेयर लम्हानामा किसी जादू का फसाना होगा तो लिया सी। इस दे बाद उन्हां दे नाम नू जादू तो जावेद कर दिता गया क्योंकि ए दोवें नाम आपस विच मिलदे सन। गल करिए जावेद अख्तर दी पर्सनल लाइफ दी तां उन्हां दा विआह अपने तो 10 साल छोटी हानी ईरानी दे नाल होया सी। इस विआह तो उन्हां दे दो बच्चे फरहान अख्तर ते जोया अख्तर ने। 1970 दे दौर विच जावेद अख्तर संगीत सीखण लई कैफी आजमी दे कोल जाया करदे सन। उत्थे ही उन्हां दी मुलाकात शबाना आजमी दे नाल होई। दोवां दीआं नज़दीकियां वधियां ते इस गल दी जानकारी जावेद दी वाइफ हनी नूं वी होई। हौली हौली जावेद अख्तर ते उन्हां दे रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। पर जावेद शबाना दे प्यार विच इस कदर डुबे हुए सन कि उन्हां ने हनी तो तलाक लैण दा फैसला कीता। आखिरकार 1984 विच जावेद ते हनी दा तलाक हो गया। शबाना दे पिता कैफी आजमी इस विआह वास्ते तैयार नहीं सन क्योंकि उन्हां नूं लगदा सी कि उन्हां दी बेटी दी वजह नाल जावेद ते हनी दा रिश्ता टुट गया ते ओह इह वी नहीं चाहुंदे सन कि उन्हां दी बेटी किसी शादीशुदा आदमी नाल विआह करे। हालांकि बाद विच उन्हां ने इस रिश्ते वास्ते हाँ कह दित्ती सी। जावेद अख्तर दी लेखनी बचपन तो ही बहुत दमदार सी। कहिंदे ने कि स्कूल दे समय तो लोग उन्हां दे कोलों लव लैटर लिखवाउण वास्ते आया करदे सन। ओह उन्हां लोकां नूं वी लव लैटर लिख दिंदे जिन्हां नूं ओह जाणदे तक नहीं सन। लव लैटर लिखण वास्ते जावेद अख्तर दी बहुत वड्डी डिमांड सी। अपने फिल्मी करियर विच जावेद अख्तर कई नैशनल अवार्ड जीत चुके ने। जावेद अख्तर लगातार 3 साल बेस्ट लिरिसिस्ट दा अवार्ड अपने नाम कर चुके ने। जावेद अख्तर नूं भारत दे सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री नाल भी नवाजा जा चुकिया है। अज जावेद अख्तर दे जन्मदिन दे मौके ते वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे।